कुछ लैंग्वेजेस को देखते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट लैंग्वेज को देखते हैं, ए पावर एम बी पावर एन ए पावर एम प्लस एन। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वेयर आप मान लीजिए एम कोमा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन हो रहा है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू एम प्लस एन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वन कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू दिस पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन कंपेरिजन हो रहा है, पुश एंड पॉप आपके क्लियर है। आप क्या करेंगे, ए आने पर आप पुश करेंगे, बी आने पर आप पुश करेंगे, देन उसके बाद जो ए आएंगे उससे आप उसको पॉप कराने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो पुश एंड पॉप आपको क्लियर है, इस पॉइंट तक आपको पुश करना है और बी के फिनिश होने के बाद आपको ए से उनको पॉप करना, सिंबल्स को पॉप करना स्टार्ट कर देना है। तो बी के फिनिश होने के बाद आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे और वन कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर, पुश एंड पॉप भी आपके क्लियर है। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा डीसी FL, but not regular. तो ये लैंग्वेज हो जाएगा DCFL but not regular. उसके इसी तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप इस पॉइंट के बाद पॉप कराने लग जाएंगे। तो पुश एंड पॉप आपके क्लियर हैं, तो ये लैंग्वेज भी हो जाएगा DCFL but not regular. इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, ये AB जो है AB power n, CD power n, अब यहाँ पर वन कंपेरिजन है, वन आपका कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है ना। और पुश एंड पॉप भी आपको क्लियर है, इस पॉइंट के बाद आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लैंग्वेज भी हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। इसी तरीके से इसको देखिए, इस लैंग्वेज को देखिए, यहाँ पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके एम और एन क्या है, इंडिपेंडेंट है। एम और एन आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी स्टार सी डी स्टार। तो ये लैंग्वेज जो है ये आपका रेगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, यहाँ पर भी आपका वन कंपेरिजन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन है और पुश एंड पॉप भी आपको क्लियर है, इस पॉइंट से के बाद आप पॉप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लैंग्वेज भी आपका DCFL बट नॉट रेगुलर हो जाएगा। अब जैसे कि इस लैंग्वेज को देखें, यहाँ पर आपके दो कंपेरिजन हो रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट कंपेरिजन हो रहा है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और सेकेंड कंपेरिजन ये है कि ये जो आपका ये जो पावर है ये लेस होना चाहिए इस पावर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट ए टाइम दो कंपेरिजन हो रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कंपेरिजन हो रहा है और ये आपका सेकेंड कंपेरिजन हो रहा है कि ये पावर लेस होना चाहिए इस पावर से। तो एट ए टाइम यहाँ पर दो कंपेरिजन हो रहे हैं, तो ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका CSL बट नॉट NCFL, ठीक है ना। तो एट ए टाइम यहाँ पर आपके टू कंपेरिजन हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एट ए टाइम आपके टू कंपेरिजन हो रहे हैं, फर्स्ट कंपेरिजन तो ये हो रहा है और सेकेंड कंपेरिजन आपका ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा CSL बट नॉट NCFL। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वन कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप इस तरीके से इसको नहीं सोच सकते हैं। ये आप अगर ऐसा सोचें कि यहाँ पर वन कंपेरिजन हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए पावर टू एन, ए पावर टू एन हो जाएगा, यानी इवन नंबर ऑफ ए है, तो इसके लिए तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए एस्ट्रिक। तो इनफैक्ट ये लैंग्वेज क्या है, ये लैंग्वेज आपका रेगुलर है, ठीक है ना, क्योंकि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये लैंग्वेज भी आपका क्या है, ये लैंग्वेज भी आपका रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी पावर फोर एन प्लस थ्री, इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बी क्यूब देन ए बी पावर फोर स्टार। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए।